जरूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज सानू इत्थे चौथा दिन है ते नाश्ता इत्थों लै के दे आया। एक कंटीन हॉस्पिटल दे विच ही हैगी जी। हुण कर लईए मैं नाश्ता कर लवां। डॉक्टर ने उन्हें स्लिप दिती है कि फीस जमा कराओ, करवा के उन्होंने टेस्ट करवाने ब्लड वगैरह तो फिर दोबारा। किन्नी फीस है दी? अलहमदुल्ला जी, फीस तो जमा हो गई है। हम लैबोरेटरी से जाके ना ब्लड निकालने का समान लेने। ब्लड निकालने वास्ते वायर लै रहे तो एशीशियन में ब्लड पाँ के फिर देंगे, चेक करके दसेंगे। हूँ मैं जी हूँ रोटी लैन वास्ते बेगम वास्ते, क्योंकि वह कहते हैं कि जी तवे की रोटी दियो, भुख लगी थी, हल्की पेट दर्द से। सर जी, तवे वाली रोटी मिल जाएगी ना या नरम रोटी बन जाएगी उससे? रोटी नरम होनी टेंशन ना। चलो ठीक हो। विंडो साइड तो नहीं हटाई, लगता डॉक्टर खड़ी। हाँ की गल? व्हीलचेयर लिया ना थोड़ा तो जाना लेबर रूम। लेबर रूम में कि चेक चुक करना कोई? हाँ जी, डॉक्टर ने कहा की हो की रिया दर्द हो रही। हाँ जी, उन्होंने कैसे अगर थोड़ी तबीयत अभी लगे ना भी नहीं सही उस टाइम से दसना ताकि थोड़ी सी चेकअप कर। चल मैं ले आना व्हीलचेयर है ऐसा ऐसा ना इतने आप ही कह तेन फड़ के ले आँगी है। ब्लड ले लिया तो हूँ जी जा रहे लिबर्टी के देने वास्ते, टेस्ट करने आएंगे तसली करेंगे फिर भी हूँ कि तबीयत है। सर मेडिसिन दिया। बेगम के पेट दर्द हो रही थी तो वार्ड चु लेबर रूम में लै गया तो उन्होंने चेक किया तो ड्रिप लिख के दी दर्द की। हॉस्पिटल के जी बिचों दवाई ले दी है ना या जो नाल नाल मेडिकल स्टोर है जिस तरह आ वा महंगी दवाई देंगे ना तो कोई मसला बन जाए वापस वापस करनी हो तो नहीं करते फिर। इस वास्ते मैं थोड़ी हॉस्पिटल के दूर जाके दवाई ली। माशाल्लाह जी, एक साड़ी बहुत प्यारी सिस्टर ने साड़े सब्सक्राइबर ने उन्होंने साड़ी वीडियो देखी है तो वास्ते चाय और बिस्कुट लेके आए तो हूँ अंदर बेगम को गए मुकदस को आप ही हो रही। मैं उन्होंने दिल तो शुक्रिया अदा करता वा। लेबर रूम के बेगम 12:30 बजे की गई तो 3:30 हो गए अजे तक बहर नहीं आई। हूँ पुछते हैं भी खैरीत अजे तक क्यों नहीं बहर आई। सिस्टर सामने खड़ी सी तो उन्होंने पूछा कहीं ड्रिप बड़ी स्लो लगी हुई है दर्दा की। बेगम जी 6 बजे निकली है लेबर रूम में, डॉक्टर ने कहा कि जो ज़्यादा दर्द आने फिर वापस आना। 12:30 बजे की गई सी तो 6 बजे निकली। हम सिस्टर नाल इन्होंने जाके ड्रिप लानी है। बेगम नु बुखार है सी ते आ डबियां 2 लिया उन्होंने कहा कि ऑक्सीडल लै गई है तो बुखार वास्ते हैगी है। कोई सुबह लगे कि आप ही फड़ लैन गई ईसीजी करवानी। बेगम दी सी जी करवाने से इस वास्ते लैके आया इत्थे। अल्लाह खैर करेगा। दिल दी धड़कन बच्चे दी किदा? ठीक है, शुक्र अल्लाह। चलो चलिए। चलो जी, रात 1 बज गए तो दवाई शवाई मैं फिर लिया के दी सी। इस तरह ही मैं जाग रहा सी ते आ मेरा बिस्तरा भाई और सुते पैन ते मैं कहा चल इन्हां दे नाल मैं भी रात जी। सूरज माशाल्लाह इत्थे तक आ गए यानी कि 8 दा टाइम हो गया तो बेगम नू दवाई शवाई मुकदस नू ड्रिपा शिपा लैके दे के तो हुण मैं इत्थे बाहर निकलिया नहाण वास्ते क्योंकि अज मैनू 6वां दिन मनाता नहीं। सारियां बंद ने, कोई दुकान नहीं खुली तो तकरीबन 10 बजे खुलेंगे तो फिर जाके नहावांगे। बेगम की तबीयत सुबह खराब हो गई सी तो फिर डॉक्टर साहब ने विजिट किया। वो कहते हैं कि जी एक बार मेरे को लेके आओ तो हम लेके चले आ उधर।
कैसी तबीयत है? बेहतर है, सोना। हाँ। चहलकदमी की थी सी? हाँ जी। डॉक्टर ने कहा है ना कि चहलकदमी करो, ज़रा वॉक करो ताकि ना काफ़ी कोई पेंशन हुई नहीं। हॉस्पिटल मैं दाखिल है ना, इतने कैंट डॉक्टर भाई उन्होंने वालदन है, उन्होंने मैं उन्होंने कोई बेटी नहीं है तो उन्होंने मैं अपनी बेटी बनाया, तो उन्होंने बहुत मतलब कि साढ़े ने सपोर्ट की है, जी भी तबीयत नहीं ठीक है, फिर देखो कि किन्ना किन्नी मुहब्बत दिखाई दी उन्होंने, तो अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती उन्होंने जिंदगी तक फरमाई, अल्लाह ताला उन्होंने फैमिली हमेशा सलामत रखे। जुमे का दिन है, असं पहले बहुत परेशान से, तो डॉक्टर साहब की वालदा और ने साडा ब्लॉग देखा, तो उन्होंने बेटे ने इतने हॉस्पिटल से डॉक्टर ने माशाल्लाह रहनुमाई मिल गई है, और अल्लाह ताला इन्हां दू तरक्की देवे, इज्जत देवे, कामयाबी देवे, और मैं सब तो बड़ा शुक्रिया अदा करना डॉक्टर साहब तुहाडी वालदा दा। डॉक्टर साहब ने ना काफ़ी तकल्लुफ कर दिता, असी तो समोसे की एक प्लेट से सी, लेकिन डॉक्टर साहब नाल चिकन भी मंगवा लिया, रोटी भी, तो समोसा भी, तो सारा खाना कि डॉक्टर साहब तुसी बहुत तकल्लुफ किया, वार्ड दे विच चले। अगर ना मतलब कि तबीयत ना सही हुई ना, तो फिर उन्होंने सुबह में ऑपरेशन करना, तो साढ़े पाँच भरावान ने ना मेरे और मेरे बच्चे बस भी दुआ करनी कि अल्लाह ताला सब जिंदगी है था ठीक है ना, वो बहुत ही परेशान ना हो इंशाल्लाह, अल्लाह के सपोर्ट से कुछ कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर परेशान नहीं, ना 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 बस दुआ कर अपनी। दुआ करनी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने बिल्कुल सब ठीक कर देना, ठीक है ना। हाँ मेरा बच्चा रोना नहीं है, अच्छा मेरी शहजादी बिल्कुल ना परेशान हो प्लीज़। आप जितने भी देखने वाले इनके सब्सक्राइबर हैं, आप मुकद्दस के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, ये बहुत परेशान है, उस दिन से मैं इसके साथ हूँ, मैंने बहुत हौसला दिया, लेकिन आप सब ने प्लीज़ मुकद्दस के लिए और मुकद्दस के बेबी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी कि अल्लाह ताला दोनों की ज़िंदगी करे और खैरोफियत से अपने बेबी के साथ ये घर वापस जाए इंशाल्लाह। उसने कितना प्यारा जूता पहना है, है मुकद्दस? हमारी मुकद्दस रो रही थी तो इसे जूता लेके दिया, खुश हो गई है। अब खुश हो? हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब अच्छा हो जाएगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है।